मेरा नाम गिरीश साहनी है, मैं जितेश कार्ड्स का प्रोपराइटर हूँ। ये बताइए, लॉकडाउन से अब तक ठीक है, किसी भी तरीके की शादी नहीं हुई है, जो हुई भी है उसमें बहुत कम संख्या में लोग आए, तो आपका कार्ड का व्यापार कैसा है? कार्ड के व्यापार की आज की जो पोजीशन है वो ये है कि हम ज़ीरो पे हैं। जो भी अगर दो चार कार्ड अगर हफ्ते में आ भी गए तो वो सिर्फ क्वांटिटी उसकी जो है दो कार्ड है, पांच कार्ड है, दस कार्ड है, क्योंकि जब 50 की जब आप लिमिट रखोगे तो उसमें कोई कार्ड क्या छपवाएगा। ये भी जो कार्ड जो छपवाने के लिए लोग आ रहे थे वो भी सिर्फ परमिशन लेने के लिए, डिपार्टमेंट से, सरकार से परमिशन लेने के लिए कि हमारे घर में शादी है तो उसकी आप परमिशन दीजिए, तो उसके लिए वो जो छपे। मेहनत की बात अगर हम नहीं करेंगे, हम करेंगे हमें बचा क्या, संख्या से बचा क्या। अब आप खुद मान के चलिए, जहाँ पे दो कार्ड छपवाने वाला आ रहा है वो आपको पैसे तो दे के नहीं जाएगा, 100 कार्ड भी छपाई नहीं दे के जाएगा, वो तो यही कहेगा कि मेरे काम कम से कम में हो जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे। लगभग आपका व्यापार कितना? हमारा कार्ड हमारा जो व्यापार है वो ज़ीरो हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 सितंबर। अपने व्यापार से संबंधित आपने किस किस सिफारिशें करी हैं? हमने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया, हमने डिफरेंट मीडिया हाउसेस में अपनी बात रखी है, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि कोई भी इसमें अभी तक किसी ने हमें उसके लिए एक पॉजिटिव वाला जो रिप्लाई होता है वो अभी तक हमें नहीं मिला। मैंने खुद मेल करी है प्राइम मिनिस्टर को, कोई नहीं रिप्लाई आया। आज मेरी पोजीशन ये है कि मेरे बच्चों की 6 मंथ्स की फ़ीस, मेरी अपने हाउसिंग लोन की के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सब ड्यू हैं, क्योंकि मेरे पास में उतना बचा ही नहीं है कि मैं, मेरी जितनी सेविंग्स हैं वो सारी सेविंग्स तो मैं कंज्यूम कर चुका हूँ अपने घर के खानों में, खानों में। आज मेरे पास कोई वर्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। हम लोग कई बार तो अपने पैसों से यहाँ तक आते हैं खर्चा करके और वापस चले जाते हैं जब सेल ही नहीं होती। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और मैं प्रोपराइटर हूँ दुर्गा कार्ड्स का, बड़ा बाज़ार खैरुल्ला गली से। शादियाँ बंद होने से फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये हुई है कि जो जिन लोगों का कार्ड्स प्रिंट करा हुआ रखा हुआ था हम लोगों के यहाँ, उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे और हम लोगों को ये इसकी ज़रूरत नहीं है। बरेली की माने भी जो हस्तियाँ हैं उनके कार्ड्स मेरे पास रखे हुए हैं, अभी ऑर्डर के रखे हुए हैं, उन्होंने लेने से मना कर दिया। और सेकेंडरी ये हुआ कि आगे का जो हमारा सीजन था बिल्कुल स्टॉप हो गया, जहाँ से हम चले थे ज़ीरो से चले थे तो अभी भी ज़ीरो पे ही आ गए। अब जब कभी भी स्टार्टिंग होगी, जब कभी भी कारोबार आगे बढ़ेगा तो जैसी परमिशन मिलेगी तो ये बिल्कुल एक नई रूपरेखा के हिसाब से स्टार्ट होगा कि कितनी परमिशन मिलती है। अब 100 की परमिशन 21 सितंबर से वो दे रहे हैं, अभी कोई परमिशन देंगे आगे के लिए तो अभी से जिसके यहाँ शादी होगी वो अभी से प्रिपेयर होगा अपने आप के लिए। अगर 21 सितंबर के बाद या अक्टूबर में कभी परमिशन देते हैं, वो मान लीजिए 100 की जगह 200 या 250 की कर देते हैं, तो एकदम बेनिफिट नहीं मिलेगा हम लोगों को, धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग ये माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं कि हमको लोगों को भी कार्ड्स प्रिंट नहीं कराने हैं। और सरकार ने इसकी तरफ से जो है कोई रुझान करा नहीं है और अभी भी कोई इसकी तरफ एक्टिविटी नहीं है। केवल बाज़ार खोलना है, सारे बाज़ारों को खोल देना है, उससे अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब तक शादी कार्ड्स का काम नहीं चलेगा, ना तो किराना व्यापार चलेगा, ना कोई इलेक्ट्रिक बाज़ार चलेगा, ना फर्नीचर बाज़ार चलेगा, ना आपका मेवा बाज़ार, कोई भी बाज़ार, कम से कम 10-15 बाज़ार ऐसे हैं जो वेडिंग कार्ड्स के काम से ही आगे बढ़ेंगे, वो सब स्टॉप पड़े हुए हैं। आपके जो कर्मचारी काम करते हैं वो बेचारे मजबूरी में, हम लोगों ने उनसे मना करी क्योंकि मना करने की स्थिति नहीं थी, इतना मंदी आई, पहले भी अधिक मास का समय आया, पुरुषोत्तम मास जो अब आगे स्टार्ट हो जाएगा, तब भी लेबर काम करती रही, 10 भी थे, 15 भी थे लोगों के यहाँ, किसी किसी के यहाँ 40 भी हैं, लेकिन जो है मना करना पड़ा उनसे बिल्कुल कि भाई हमारे पास कोई वर्क नहीं है और हम आपको अभी काम नहीं दे पाएंगे। तो बेचारे कोई डिब्बा बना रहा है, कोई कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, मतलब काम चला रहा है, आधी तनख्वाह मिल रही तो भी कर रहा है और पर डे के हिसाब से अगर 100 रुपये रोज़ मिल रहा है तो भी काम कर रहा है वहाँ पे। नीरज गुप्ता, सोना कार्ड फर्म का मालिक, बताना चाहता हूँ कि
इस वक्त जो सरकार ने 100 लोगों की परमिशन दी है उससे हम लोगों बिजनेस का कोई भला होने वाला नहीं, ना कारोबार आगे डेवलप करेगा। अभी से लोग 50 परमिशन तो आदमी वो नहीं चल पाएगा। 50 कार्ड में क्या खर्चा निकलेगा, किसको क्या बचेगा, किसी को कुछ नहीं बचने वाला, और परेशानी का विषय बना हुआ है। ग्राहक पहले से ही बहुत डरे हुए हैं, कहते गैदरिंग तो होगी नहीं, बहुत से लोग तो कार्ड ही छपाना नहीं तैयार हुए, कार्ड छपाने को ही राजी नहीं है। तो इस वक्त कुल मिला के स्थिति बहुत ख़राब है। आपने अपनी स्थिति के लिए कोई ज्ञापन दिया डीएम को या किसी तरीके? नहीं, विचार चल रहा था मगर अभी दिया नहीं है किसी को। हाँ, विचार तो चल रहा था मगर दिया नहीं है अभी किसी को। अब धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हुए हैं, जैसे 25-50 से ज़्यादा कोई लेने वाला नहीं है मार्केट में। जो आता है तो 50 कार्ड से ज़्यादा लेता नहीं है, 50 कार्ड में खर्चे भी निकालना मुश्किल है। इस वक्त बहुत ही बुरी पोजीशन है सरकार। मेरी राय है कि सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए काम करे, अपना जो प्रोग्राम है उनको मैनेज करे, और किसी भी प्रकार की परेशानी और आती है जैसे तो उसके सोल्यूशन के द्वारा ही निकल जाता है। केवल कारोबार को बंद कर दो, ये उसका एक सोल्यूशन नहीं है।